Okay, students, here we are starting with the first lecture of government budget. Okay, government budget is a very interesting topic in macroeconomics. You will be able to understand with the lecture. Okay, so let us start with the first. See, government budget bahut easy chapter hai. And this overall chapter, beta, this is overall chapter of 6 marks in your CBSE board. Kitne marks rahega? It is of how much marks, Rishika? How much marks, Rishika? 6 marks, sir. Six. Up, see, these are the topics which we will discuss under this. First, we will go for the introduction that what is the meaning. Second, what are the components of the budget? And next, we will go for what are the objectives. Kya objectives in government budget? Ke? And at last, we will go for budget deficits. Okay, so let us start with today with the introduction. बहुत बार सुना है गवर्नमेंट बजट सुना है बहुत बार यस सर अब सबसे पहला व्हाट मेक्स मंथ ऑफ फरवरी सो स्पेशल फॉर द पीपल क्यों मंथ ऑफ फरवरी बहुत स्पेशल होता है लीप मंथ होता है सर लीप ये ठीक है लीप मंथ होता है उसके अलावा डोंट से कि वैलेंटाइंस डे आता है तो 14 फेब को स्पेशल लोन आते हैं सी वैलेंटाइंस डे आता है दैट इज स्पेशल फॉर सम स्टूडेंट्स एवरी से स्पेशल फॉर सम पर्संस बट अब जो हम अगर फाइनेंशियली देखें सो भैया फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी जैसे हमेशा फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी हमारा एनुअल यूनियन बजट क्या होता है डिक्लेयर किया जाता है And who declares the annual union budget is declared by the government. Finance minister. देखा है finance minister? हमेशा government हाँ. finance minister. अभी finance minister कौन है? Who is the finance minister? Are you knowing aware about it? सर मुझे नाम याद नहीं है लेकिन हाँ सर नाम बताओगे तो पता है. बेटा you are a girl. Woman empowerment. She is also a girl. She is a lady. So you should understand that first and foremost, you should have that common knowledge. The, who is the finance minister? Finance minister अभी हमारी है निर्मला सीतारमण. Okay? अभी तुमने न्यूज में देखा ही था जब डिक्लेयर करना था तो वो एक रेड बैग लेके गई थी अपने साथ ये बहुत न्यूज में चला था देखा था एक रेड बैग पूरा पोथा संभाल के 1 फरवरी को उन्होंने डिक्लेयर सो दिस इज On the day where the union budget means आपका जो main central government का budget है see budget दोनों government declare करती हैं एक तो central government भी है और एक अपनी state government भी है ठीक है but जो central government है वो अपना budget इस date पे declare करेगी that is on 1st of February पहले ये होता था last working day पर जैसे ही बीजेपी government आ गई है तो अब किस पे आ रहा है it is always on the first working अब सबसे पहले यहाँ पे देखो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में सीधा पहुंच गया फाइनेंस मिनिस्टर आपका एंड अल्टीमेटली ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी पे यूनियन बजट को क्या कर लिया प्रेजेंट कर दिया अब ये यूनियन बजट किसके लिए होता है हम 1 फरवरी को जो डिक्लेयर कर रहे हैं बेटा इट इज कमिंग फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर जैसे अभी तुमने फाइनेंशियल ईयर की डेट्स बताए हाँ फाइनेंशियल ईयर डेट बताओ 1st April to 31st March. 1st April. So, हम जो 1st फरवरी जैसे अभी इस ईयर का जो 1st फरवरी 2020 को डिक्लेयर हुआ ना वो इम्प्लीमेंट कब होगा वो आने वाले साल मतलब आने वाले फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1st April 2020 टू 31st मार्च 2021 ये उसके लिए इम्प्लीमेंट है तो एडवांस में प्लानिंग करके रखती गवर्नमेंट कि भैया ये सब चीजें आपको लेके रखनी है फर्स्ट वर्किंग डे पे सीधा डिक्लेयर हो जाएगा एंड दैट टू बी प्रेजेंटेड बाय होम दैट बी प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर अब यूनियन बजट जैसे मैंने बोला इट विल बी रनिंग फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च पर डिक्लेयर कब हुआ फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी तो याद रखना एवरी टाइम इट इज फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज हाउ विल इट अफेक्ट द कॉमन मैन लाइफ क्या गवर्नमेंट बजट आपको अफेक्ट करता है क्या टेक फॉर द एग्जांपल जैसे आता है कभी कभार उसमें बेनिफिट देते हैं सीनियर सिटीजन के कॉस्ट ऑफ सेलफोन है कितना जीएसटी लगना है आज अगर तुमको सेलफोन खरीदने जाएगी तो देखो जीएसटी पे करना पड़ेगा
आज तू टैक्सेस दे रही है गवर्नमेंट को, सो वो सारे टैक्सेस का रिकॉर्ड, कितना टैक्स लगना है, कितना टैक्स कलेक्ट करना है, इट विल ऑल बी मेंशन अंडर द गवर्नमेंट बजट. इज दिस क्लियर? तो गवर्नमेंट बजट इज अफेक्टिंग ऑल, ऐसा नहीं कि हमको ही अफेक्ट कर रहा है, इट इज अफेक्टिंग द ऑल सिटीजंस. टैक्स लाइबिलिटी आएगी, जिनका ज्यादा इनकम है तो उनको टैक्स भरना है, कितना भरना है, पेट्रोल के खर्चे, उसमें भी टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. सुना है? गवर्नमेंट टैक्सेस, सी गवर्नमेंट टैक्सेस आर अवेलेबल एवरीवेयर, गवर्नमेंट इज देयर टू कलेक्ट टैक्स. हाँ तो कितना सर, टैक्स कलेक्ट होगा इस साल, कितना रेट चलेगा, सो दैट इज अफेक्टिंग एवरीवन. जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ था, लॉन्च जीएसटी, सुना है जीएसटी लॉन्च हुआ है? हैविंग एनी आइडिया अबाउट जीएसटी, क्या यस सर, है इसका फुल फॉर्म? गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विस. सर्विस टैक्स, गुड्स ओके, एंड सर्विस तो ये गुड्स टैक्स। एंड सर्विस टैक्स डिसाइड कौन करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कि कितने गुड्स पे आपने को ये रखना है एंड दिस. तो बजट इज अफेक्टिंग एवरीवनस लाइफ, वो एक पर्सन की लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो सबकी लाइफ को कर रहा है. सम आर हैप्पी एंड सम आर सैड. जिनको ज्यादा टैक्सेस पे करने हैं तो भैया वो सैड मोड पे है, और जिनको कम टैक्सेस पे करने हैं वो हैप्पी मोड पे है. ओके, सो दिस इज द केस दैट द बजट इज अफेक्टिंग एवरीवन. जो फाइनेंस मिनिस्टर एनालिसिस करेगा वो क्या करेगा बेटा? सी बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर, अगर आज आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए तो सबसे पहले आप देखोगे कि मेरे कंट्री में कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, कहाँ से मेरी इनकम आ रही है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कहाँ से आपकी इनकम यस अंडर जनरेट हो रही है और कहाँ आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं. चलो, यू आर नॉट, वी आर नॉट मेकिंग यू द फाइनेंस मिनिस्टर, लेट अस मेक यू द मिनिस्टर ऑफ योर हाउस. टेक द एग्जाम्पल कि तुझे एक दिन के पूरा आपको मैनेज करना है, यू हैव टू सी दैट सोर्सेज ऑफ फंड्स आपके घर से कहाँ पे आ रहे हैं एंड ये फंड्स आप कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो. सो दिस इज द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, दे हैव टू सी दैट व्हाट आर अवर सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड व्हाट आर द यूज ऑफ फंड्स. इतना आसान नहीं है कि ये सब चीजें एकदम से निकल जाएं. तो इसीलिए क्या करती है, गवर्नमेंट बजट बनाती है, प्लानिंग के साथ चलती है. अब गवर्नमेंट बजट का सिंपल मीनिंग, एज यू कैन सी एवरीवन, गवर्नमेंट बजट सिंपल मीनिंग इज, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट. क्या है भैया ये? एक ऐसा स्टेटमेंट है विच इज प्रोवाइडिंग अस व्हाट, इट इज प्रोवाइडिंग अस एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ हुम, किसके बताएगा? गवर्नमेंट के फॉर अ गवर्नमेंट पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब आने वाले साल में. अभी ये फ्यूचर प्लानिंग है बेटा, दिस इज नॉट अभी जो हो गया उसकी नहीं प्लानिंग कर रहे, मतलब जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसकी फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, उसके लिए हमने बजट बनाया है कि इस पर्टिकुलर ईयर के लिए व्हाट कैन बी अवर रिसिप्ट्स, व्हाट कैन बी अवर पेमेंट्स, फॉर दैट वी हैव मेड द गवर्नमेंट बजट. इज दिस क्लियर? तो गवर्नमेंट बजट का यहाँ पे मीनिंग आया, क्लियर हो गया ऋषिका? इट इज क्लियर? फर्स्ट एंड यस सर, फॉरमोस्ट इज इट इज अ स्टेटमेंट. क्या है स्टेटमेंट में, क्या आएगा? इस स्टेटमेंट में आएंगे एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट्स. किसके आएंगे? गवर्नमेंट के. गवर्नमेंट गवर्नमेंट के कहाँ पे रिसिप्ट्स हो रहे हैं और कहाँ पे एक्सपेंडिचर, और किस टाइम पीरियड के लिए, ओवर अ फुल फाइनेंशियल ईयर. इज दिस क्लियर? यस यस. सर, तो गवर्नमेंट बजट का मीनिंग आप अपना क्लियर हो गया. अब भैया बजट के, जैसे अभी देखो ये एक एस्टिमेट दिया है मैंने, ये ऐसा इट इज अ शॉर्ट फॉर्म, अभी तो बहुत बड़ा बनता है, पर देखो गवर्नमेंट अपने हिसाब से रिसिप्ट निकालती है और पेमेंट्स. अगर तुम ध्यान से देखो, तुमने अभी अकाउंट्स पे एनपीओ करा होगा, कर लिया अकाउंट्स में एनपीओ हो गए, उसमें हाँ सर, मैंने अटेंड नहीं किया देखा था, है मतलब मैंने रिसिप्ट्स एंड लेट ज्वाइन पेमेंट्स किया अकाउंट था। देखे? हाँ, हाँ, मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मेरा वो छूटा हुआ है तो चैप्टर, उसमें अभी फर्स्ट तो देखा चैप्टर। होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, सुना होगा. हाँ तो देख उसमें भी हाँ यहाँ पे अभी हमने क्या करा है, रिसिप्ट्स पूरे कि कहाँ कहाँ से मुझे पैसा मिलेगा और कहाँ कहाँ मेरा पैसा जाएगा, गवर्नमेंट ये पूरा निकाल के रख रही है. अभी तो यहाँ पे बोला कि 9,000 का रिसिप्ट है और 9,000 का पेमेंट है, मतलब ये बैलेंस बजट बन गया. पर हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार अलग होता है. नाउ कमिंग ऑन टू दिस कि कंपोनेंट्स क्या है गवर्नमेंट बजट के, मेनली कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट आर टू. अभी ऐसे बोला कि रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, पर उसको भी क्लासिफाई करते हैं बेटा. रिसिप्ट्स भी दो तरीके की होंगी, एक होंगी आपकी कौन सी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और एक होंगी आपकी कौन सी, कैपिटल रिसिप्ट्स. इज दिस क्लियर?
एक कौन सी रिसिप्ट होगी रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कौन सी होंगी कैपिटल. फिर एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होंगे, एक होंगे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक क्या होंगे आपके बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल तो अब ये पूरा कंपोनेंट समझो बेटा. सबसे पहले गवर्नमेंट बजट को हमने बाइफर्केट किसमें करा, रिसिप्ट और पेमेंट में. ये मेरी रिसिप्ट हो गई. अब रिसिप्ट मेरी दो तरीके की होंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट एज वेल एज कैपिटल रिसिप्ट. और एक्सपेंडिचर भी मेरे दो टाइप्स के होंगे, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो ये चीज याद रखना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे अफेक्ट करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट द बजट रिसिप्ट. जैसा आपने बोला तो रिसिप्ट क्या है, पहली बोला इट इज द मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेस. मतलब कहाँ कहाँ से आपको पैसा आएगा, चाहे वो टैक्स हो, चाहे कहीं से आपन ने लोन उठाया हो, या गवर्नमेंट के कुछ अपने बिजनेस चल रहे हैं तो वहां से प्रॉफिट आया हो. तो ये सारे के सारे रिसिप्ट मतलब इट इज एस्टिमेटेड, अभी एक्चुअल नहीं है. सी बजट हम बना ही इसलिए रहे हैं ताकि आने वाले साल को हम कंट्रोल कर पाए. ओके सो बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर प्लानिंग. तो गवर्नमेंट भी भैया अपनी फ्यूचर प्लानिंग करके रख रही है कि भैया इस साल में मुझे इतने इतने रिसिप्ट आएंगे. इट इज एस्टिमेटेड, अगेन आई एम सेइंग ये एक्चुअल नहीं है. फिर उसके बाद बजट एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है भैया, बजट एक्सपेंडिचर इट इज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर. मतलब हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि आने वाले साल में ये सारे एक्सपेंडिचर भी हमारे साथ होंगे. इज दिस क्लियर? यस सर. ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स. सी रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसी रिसिप्ट्स हैं जो कुछ भी मतलब रिसिप्ट्स दैट नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी असेट. फर्स्ट फॉरमोस्ट तो याद रखना कि अगर आज गवर्नमेंट ने, चलो एक एग्जाम्पल मैं रेवेन्यू रिसिप्ट का देता हूँ, सपोज टैक्स, तूने गवर्नमेंट को टैक्स दिया तो ये गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी बनता है क्या, एसेट है इस, या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बनता है क्या, नहीं. सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वो रिसिप्ट है जो गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे और ना ही गवर्नमेंट का इससे कोई असेट रिड्यूस हो रहा है. और दूसरा बात, ये रेकरिंग नेचर के हर बार आएंगे. जैसे जीएसटी, गवर्नमेंट हमसे जीएसटी कलेक्ट करती है तो जीएसटी मेरे को देना ही है, पर वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं बनता है, वो तो गवर्नमेंट के लिए इनकम है. हमारे लिए हमको लाइबिलिटी बनता है बिकॉज हमको पे करना ही है. आज इनकम टैक्स मान के चलो, चलो इनकम टैक्स इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसिप्ट. तो इनकम टैक्स, अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मुझे इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को. पर क्या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी हमको वापस रीपे करेगी या ये सब चीजें, नहीं. वो एक बार ले लिया तो काम खत्म. आज पापा से पूछना प्रॉपर्टी टैक्स पापा भरते होंगे, हर साल आता है प्रॉपर्टी टैक्स पापा भरते होंगे. अभी एक और निकला है नगर निगम का टैक्स जो हम हर महीने भरते हैं रिलेटेड टू योर स्वच्छ भारत अभियान. टैक्सेस हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो गवर्नमेंट हमको क्या रिफंड देती है क्या इन टैक्सेस का, नहीं. क्यों? क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा, ये लाइबिलिटी हम पे है. एंड दिस इज नॉट रिड्यूसिंग देयर एनी असेट, दे आर नॉट रिड्यूसिंग एनी. सर फाइनेंस मिनिस्टर कितने साल में चेंज होते हैं? 5 years मोस्ट प्रोबेबली, अगर बीच में कुछ नहीं होता है. जैसे गवर्नमेंट जो अपनी रहती है वो गवर्नमेंट हर पर्टिकुलरली जैसे अभी सेंटर पे बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है तो बीजेपी इज ऑन सेंटर तो हर 5 साल में इलेक्शन होंगे. अब अगर बीच में अगर से फाइनेंस मिनिस्टर की मौत हो जाती है या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है देन वही बीजेपी गवर्नमेंट अपने आप में से किसी को वापस रीएलेक्ट करेगी और फाइनेंस मिनिस्टर बनाएगी. ऐसा बीच में ही बदल सकते हैं अगर हो सकता है कि सपोज दे आर नॉट सेटिस्फाइड, अदर मिनिस्टर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क, तो हो सकता है वो मिनिस्टर को बदल सकते हैं, वो उसके लिए अलग प्रोसीजर है. चलो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया बेटा, समझ में आया रेवेन्यू रिसिप्ट. ये ऐसे रिसिप्ट हैं जो लाइबिलिटी कभी भी क्रिएट नहीं करेंगे, ना ही मेरे असेट्स को रिड्यूस करेंगे. और रेकरिंग इन नेचर मतलब ये बार बार आएंगे, ऐसा नहीं कि एक बार आएंगे, ये हर बार आएंगे. ओके सो रेवेन्यू रिसिप्ट इज दिस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जाम्पल. देखो रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप की होती है, एक तो हो गया आपका टैक्स और दूसरा आपका क्या हो गया नॉन टैक्स. क्या हो गया बेटा, एक तो हो गया आपका टैक्स और दूसरा क्या होगा नॉन टैक्स. अब देख टैक्स का बाइफोकेशन क्या होगा भैया, टैक्स का बाइफोकेशन दो ही होगा, फर्स्ट इज इधर डायरेक्ट और सेकेंड इट इज इधर इनडायरेक्ट.
ओके, नॉन टेक्स के बहुत बाइफोकेशन है. नॉन टेक्स में आपके पास दो चीजें आ जाती हैं, एक हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू और एक हो जाता है कमर्शियल रेवेन्यू. अब एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू में ये सारी चीजें आएंगी, दैट इज फाइंस एंड पेनल्टीज. मान लिया आज मैंने सिग्नल क्रॉस कर लिया एट रेड, तो व्हाट विल आई हैव टू पे द पेनल्टी, तो वो तो गवर्नमेंट को जा रहा है फाइंस एंड पेनल्टीज. एसजीज क्या होते हैं आई विल टेल यू, स्पेशल असेसमेंट्स, लाइसेंस फीस, अगेन अनदर फीस विच इज गवर्नमेंट टेकिंग. तो ये सारे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू है और कमर्शियल रेवेन्यू. अगर गवर्नमेंट की खुद की कंपनीज है तो वो अगर कुछ बिजनेस कर रही हैं और वो अपना पैसा कमा रही हैं तो वो इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज हो जाता है. आई बात समझ में? सो टुडे वी आर नॉट एक्सटेंडिंग मोर, आज अपन टैक्स पे समझते हैं, सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स समझेंगे. सो टैक्स इज वॉट, चलो सिंपल क्या होता है टैक्स. अ लीगल कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, या तो इनकम पे, या तो मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल्स पे, वेल्थ पे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स और ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. आई बात समझ में? टैक्स क्या है, सिंपल मान के चलो, एक कंपल्सरी पेमेंट किसने इम्पोज करा है, दैट इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट. किस पे करा है इम्पोज गवर्नमेंट ने, सिटीजन पे, कि भैया ये टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Let us understand the example of tax in form of direct tax. अब ये वो tax है जो कभी किसी और को आप shift नहीं कर सकते, मतलब इसकी liability उसी पे आएगी जिसके पास इसका burden है. इसका burden कभी भी shift नहीं किया जाएगा. When the liability to pay a tax and the burden cannot be shifted, जैसे income tax मेरे पे है, अगर मान के चलो कपिल गोपलानी के नाम पे इतना income tax है तो कपिल गोपलानी ही pay करेगा और कोई आके उसके बिहाफ पे नहीं करेगा. कॉर्पोरेट टैक्स है, रिलायंस पे अगर इतना टैक्स बना है तो रिलायंस कंपनी ही पे करेगी. वेल्थ टैक्स है, मेरी इतनी वेल्थ है तो मुझे वेल्थ टैक्स पे करना है, तो आई एम दी ओनर ऑफ वेल्थ, तो मैं वही पे करूंगा. फ्रिंज बेनिफिट्स टैक्स है, तो मेरे नाम का है तो मुझे ही पे करना है. गिफ्ट टैक्स है, मुझे कभी किसी ने गिफ्ट दिया तो वो जिसने गिफ्ट दिया वो टैक्स नहीं पे करेगा, जो रिसीव कर रहा है टैक्स, जो रिसीव कर रहा है गिफ्ट, वो टैक्स पे करेगा. मतलब इसका बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकते. आ रही बात समझ में? क्या हो गया डायरेक्ट टैक्स, मतलब इसका बर्डन जिस पे लगा है वही पे करेगा. क्लियर ऋषिका? यस सर. ओके, जिस पे लगा है वही, जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स, मतलब दीज टैक्सेस आर टू बी पेड बाय ओनली दैट पर्सन जिस पे ये टैक्स लगाया गया है. इसको शिफ्ट करने का हक आपके पास नहीं है. वहीं अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बोल रहा है, जिसकी लाइबिलिटी और बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो. कैसे? देखो, बर्डन किस पे, जीएसटी पे करने का, जो गुड्स सेल कर रहे हैं. जैसे मान के चल आज आप सिनेमा हॉल्स अभी कोरोना में बंद है, अगर तूने कोई मूवी देखने गई होगी इसके पहले लॉकडाउन में, अगर टिकट ध्यान से देखी तो उसमें दो टैक्स मिलते हैं, एक होता है सीजीएसटी होता है और एक एसजीएसटी होता है. अगर वो ध्यान से मूवी की टिकट देखी हो तो सीजीएसटी भी करना पड़ता है, एसजीएसटी. तो टिकट ओनर टैक्स किससे कलेक्ट कर रहा है, हमसे. ठीक है, क्योंकि हम मूवी देखने गए, ही इज कलेक्टिंग जीएसटी फ्रॉम अस, तो पेमेंट करने की लायबिलिटी किसके ऊपर है, That owner, example, INOX, तो INOX owner है, तो उसको पे करना है, लेकिन उस वो हम बर्डन शिफ्ट किस पे कर रहा है, अल्टीमेट कंज्यूमर पे. आया? मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो हम शिफ्ट कर सकते हैं, किस पे शिफ्ट कर सकते हैं, टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. दिस क्लियर? इसका सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने एक्साइज ड्यूटी है, जीएसटी है, वेट है. मतलब है लाइबिलिटी पे करने की ओनर की, लेकिन वो हमसे निकलवाता है. जैसे यहाँ पे देखो सर्विस टैक्स एग्जांपल है, आज अगर होटल में गया, होटल में सर्विस टैक्स मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन सर्विस टैक्स को लायबिलिटी कौन है, होटल के ओनर को पे करना है, लेकिन वो वसूलता किससे है, मेरे से. एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सारे के सारे वेंडर्स को देने, लेकिन वेंडर वसूलते किससे है, वेंडर हमसे वसूलते हैं. देखो यहाँ पे, देख यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा है, सर्विस टैक्स भी हमने वसूला, इन्होंने वेंडर ने वसूला, एंटरटेनमेंट टैक्स भी इसने दिया, सेल्स टैक्स भी हमने भर दिया, एंड अल्टीमेटली द वेंडर विल पे आउट टू हूम, वेंडर विल पे आउट टू द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट दिख रही है यहाँ पे.
सो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को ये ट्रांसफर करेगा पेमेंट. सो दिस इज व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. मतलब बर्डन किस पे है, बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पे आ जाएगा. लाइबिलिटी किस पे है पे करने की, लाइबिलिटी पे करने की है वेंडर पे जो ओनर है. आई बात समझ में ऋषिका? ओके, इज दिस क्लियर? यस सर. ओके, सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे. थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली. थैंक यू लिसनर्स फॉर लिसनिंग टुडेस लेक्चर. और For more videos, do subscribe my channel for getting updates related to economics. Thank you, listeners.